हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको पाठ 17 पढ़ाऊंगी। सुभान खां। क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है, वह पूरब में क्यों नहीं रहता? सुभान दादा की लंबी सफ़ेद चमकती रो बरसाती दाढ़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को घुसाते हुए मैंने पूछा। उनकी चौड़ी उभरी पेशानी पर एक उल्लास की झलक और दाढ़ी मूछ की संघनता में दबे पतले अधरों पर एक मुस्कान की रेखा दौड़ पड़ी। अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हथेली मेरे सिर पर सहलाते हुए उन्होंने कहा, नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब ओर है। तो फिर आप पश्चिम मुँह खड़े होकर ही नमाज क्यों पढ़ते हैं? पश्चिम ओर के मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे। जहाँ रसूल आए थे वहाँ हमारे तीर्थ हैं। हम उन्हीं तीर्थों की ओर मुँह करके अल्लाह को याद करते हैं। वे तीर्थ यहाँ से कितनी दूर होंगे? बहुत दूर। जहाँ सूरज देवता डूबते हैं? नहीं, उससे कुछ इधर ही। आप उन तीर्थों में गए हैं सुभान दादा? देखा सुभान दादा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू डबडबा आए। उनका समूचा चेहरा लाल हो उठा। भाव विभोर हो गदगद कंठ से बोले, वहाँ जाने में बहुत खर्च पड़ते हैं बबुआ। मैं गरीब आदमी ठहरा ना, इस बुढ़ापे में भी इतनी मेहनत मशक्क़त कर रहा हूँ कि कहीं कुछ पैसा बचा पाऊँ और उस पाक जगह की जियारत कराऊँ। उनकी आंखों को देखकर मेरा बचपन का दिल भी भावना से ओतप्रोत हो गया। मैंने उनसे कहा, मेरे मामा जी से कुछ कर्ज क्यों नहीं ले लेते? कर्ज़ के पैसे से तीर्थ करने में सवाब नहीं मिलता बबुआ। अल्लाह ने चाहा तो एक दो साल में इतने जमा हो जाएंगे कि किसी तरह वहाँ जा सकूं। वहाँ से मेरे लिए भी कुछ सौगात लाइएगा। क्या लाएंगे? वहाँ से लोग खजूर और छुहारे लाते हैं। हाँ हाँ, मेरे लिए छुहारे ही लाइएगा, लेकिन एक दर्जन से कम नहीं लूँगा हूँ। सुभान दादा की सफ़ेद दाढ़ी मूछ के बीच उनके सफ़ेद दांत चमक रहे थे। कुछ देर तक मुझे दुलारते रहे, फिर कुछ रुक कर बोले, अच्छा जाइए खेलिए, मैं ज़रा काम पूरा कर लूँ। मजदूरी भर पूरा काम नहीं करने से अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्सेवर हैं? मैं थुनक कर बोला। आज सुभान दादा बड़े ज़ोरों से हंस पड़े, फिर एक बार मेरे सिर पर हथेली फेरी और बच्चों से वो बहुत खुश रहते हैं बबुआ, वो तुम्हारी उम्र दराज करें, कहकर मुझे अपने कंधे पर ले लिया। मुझे लेते हुए दीवार के नज़दीक आए, वहाँ उतार दिया और झट अपनी करनी और वसूली से दीवार पर काम करने लगे। सुभान खां एक अच्छे राज समझे जाते थे। जब जब घर की दीवारों पर कुछ मरम्मत की ज़रूरत होती उन्हें बुला लिया जाता है। आते हैं 5-7 रोज़, यहीं रहते हैं, काम का ख़त्म कर चले जाते हैं। लंबा चौड़ा तगड़ा बदन है इनका, पेशानी चौड़ी, भावें बड़ी सघन और उभरी, आंखों के कोनों में कुछ लाली, पुतलियों में कुछ नीलेपन की झलक, नाक असाधारण ढंग से नुकीली, दाढ़ी सघन इतनी लंबी कि छाती तक पहुंच जाए, वह छाती जो बुढ़ापे में भी फैली फूली हुई, सिर पर हमेशा ही एक दुपलिया टोपी पहने होते और बदन में नीम आस्तीन, कमर में गच्छे वाली धोती, पैर में साधारण सा जूता, चेहरे से नूर टपकता, मुँह से शहद झड़ता, भले मानसों से के बोलने चालने बैठने उठने के कायदे को की पूरी पाबंदी करते वो, किंतु बचपन में मुझे सबसे अधिक भाती उनकी वो सफ़ेद चमकती हुई दाढ़ी। नमाज के वक्त कमर में धारीदार लुंगी और शरीर में सादा कुर्ता पहन घुटने टेक, दोनों हाथ छाती से ज़रा ऊपर उठा, आधी आंखें मूंद कर जब वो मंत्र सा पढ़ने लगते मैं विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें देखता रह जाता। मुझे ऐसा मालूम होता सचमुच उनके अल्लाह वहाँ आ गए हैं। दादा की छपकती आंखें उन्हें देख रही हैं और ये होठों की बातें उन्हीं से हो रही हैं। एक दिन बचपन के आवेश में मैंने उनसे पूछ भी लिया, सुभान दादा आपने कभी अल्लाह को देखा है? ये क्या कह रहे हो बबुआ, इंसान इन आँखों से अल्लाह को नहीं देख सकता। मुझे धोखा मत दीजिए दादा, मैं सब देखता हूँ। आप रोज़ आधी आँखों से उन्हें देखते हैं, उनसे बुदबुदा कर बातें करते हैं। हाँ हाँ, मुझे चकमा दे रहे हैं आप। मैं उनसे बातें करूँगा, ऐसी मेरी ऐसी तकदीर कहाँ, सिर्फ रसूल की उनसे बातें होती थी बबुआ, वे बातें कुरान में लिखी हैं। अच्छा दादा, क्या आपके रसूल साहब की भी दाढ़ी थी? हाँ हाँ थी, बहुत खूबसूरत, लंबी, सुनहरी। अब भी उनकी दाढ़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं। हम अपने तीर्थ में उन बालों के भी दर्शन करते हैं। बड़े होने पर जब मुझे दाढ़ी होगी मैं भी दाढ़ी बढ़ाऊँगा दादा, खूब लंबी दाढ़ी। सुभान दादा ने मुझे उठाकर गोद में ले लिया, फिर कंधे पर चढ़ाकर इधर उधर घुमाया, तरह तरह की बातें सुनाई, कहानियाँ कहीं। मेरा मन बहलाकर वो फिर अपने काम में लग गए। मुझे मालूम होता था काम और अल्लाह, ये ही दो चीज़ें संसार में उनके लिए सबसे प्यारी हैं। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट काम में जुट जाना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे। और काम व अल्लाह का ये सामंजस्य उनके दिल में प्रेम की वो मंदाकिनी बहाता रहता था, जिससे मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मज़े से डुबकियाँ लगा सकते थे, चुपकियाँ ले सकते थे। नानी ने कहा, सवेरे नहा खा लो, आज तुम्हें हुसैन साहब के
पैक में जाना होगा, सुभान खां आते ही होंगे। जाने कितने देवताओं के की मनौती के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया था, उनमें एक हुसैन साहब भी थे। 9 साल की उम्र तक जब तक जानियों नहीं हो जाऊं, मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह मुझे भी तजिए के चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर कूदना पड़ता है और गले में गंडे पहनने पड़ते हैं। मुहर्रम उन दिनों मेरे लिए कितनी खुशी का दिन था। नए कपड़े पहनता, उछलता कूदता, नए नए चेहरे और तरह तरह के खेल देखता, धूम धड़क्के में किस तरह 4 पहर गुजर जाते। इस मुहर्रम के पीछे जो रोमांचकारी हृदय के को पिघलाने वाली करुण रस से भरी दर्द अंगेज घटना छिपी है, उन दिनों उनकी खबर भी कहाँ थी। खैर, मैं नहा धोकर पहन ओढ़कर इंतज़ार ही कर रहा था कि सुभान दादा पहुँच गए, मुझे कंधे पर ले लिए और अपने गाँव में ले गए। उनका घर क्या था, बच्चों का खाड़ा बना हुआ था, पोते पोतियों नाती नातियों की भरमार थी उनके घर में। मेरी उम्र के बहुत से बच्चे रंगीन कपड़ों में सजे धजे सब मानो मेरे ही इंतज़ार में। जब पहुंचा सुभान दादा की बूढ़ी बीवी ने मेरे गले में एक बद्धी डाल दी, कमर में घंटी बांध दी, हाथ में 2 लाल छड़ियां दे दी और उन बच्चों के साथ मुझे लिए दिए करबला की ओर चली। दिन भर उछला कूदा, तमाशे देखे, मिठाइयाँ उड़ाईं और शाम को फिर सुभान दादा के कंधे पर घर पहुँच गया। ईद बकरीद को ना सुभान दादा हमें भूल सकते थे, ना होली दिवाली को हम उन्हें। होली के दिन नानी अपने हाथों से पूए और खीर परोसकर सुभान दादा को खिलाती हैं और तब मैं ही अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी में मलता। एक बार जब उनकी दाढ़ी रंगीन बन गई थी, मुझे पुरानी बात याद आ गई। मैंने कहा, सुभान दादा, रसू की दाढ़ी भी तो ऐसी ही रंगीन रही होगी, उस पर अल्लाह ने ही रंग दे रखा था बबुआ, अल्लाह की उन पर खास मेहरबानी थी, उनके सा नसीब हम मामूली इंसानों को कहाँ। ऐसा कहकर झट आके मूंद कर कुछ बुदबुदाने लगे जैसे वो ध्यान में उन्हें देख रहे हों। मैं भी कुछ बड़ा हुआ, उधर दादी भी आखिर हज कर ही आए, दादा भी राज करी है। जब मैं बड़ा हो गया, लेकिन उन्हें छुआरे की बात भूली नहीं थी। जब मैं छुट्टी में शहर से स्कूल से लौटा, दादा ये अनुपम सौगात लेकर पहुँचे। इधर उनके घर की हालत भी अच्छी हो चली थी, दादा के पुण्य और लायक बेटों की मेहनत ने काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन उनमें वही विनम्रता और सज्जनता थी। आए पहले की ही तरह शिष्टाचार निभाया, फिर छुआरे निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। बबुआ, ये आपके लिए खास अरब से लाया हूँ, याद है ना आपने इसकी फरमाइश की थी। उनके नथुने आनंदातिरेक से हिल रहे थे। फुआरे लिए सिर चढ़ाया, ख्वाहिश हुई आज फिर मैं बच्चा हो पाता, और उनके कंधे पर लिपट कर उनकी सफ़ेद दाढ़ी में जो अब सचमुच नूरानी हो चली थी उंगलियां घुसाकर उन्हें दादा दादा कहकर पुकार उठता। लेकिन ना मैं अब बच्चा हो सकता था, ना जुबान में वो मासूमियत और पवित्रता रह गई थी। अंग्रेज़ी स्कूल के वातावरण ने अजीब अस्वाभाविकता हर बात में ला दी थी, पर हाँ, शायद एक चीज़ अब भी पवित्र रह गई थी। आंखों ने आंसू की छलकने से अपने को पवित्र कर चुपचाप ही उनके चरणों में श्रद्धांजलि चढ़ा दी। हज से लौटने के बाद सुभान दादा का ज़्यादा वक्त नमाज बंदगी में ही बीतता। दिन भर उनके हाथों में तस्बीह के दाने घूमते और उनकी ज़बान अल्लाह की रट लगाए रहती। अपने ज्वार भर में उनकी बुजुर्गी की धाक थी। बड़े बड़े झगड़ों की पंचायत में दूर दूर के हिंदू मुसलमान उन्हें पंच मुकर्रर करते। उनकी ईमानदारी और दयानतदारी की कुछ ऐसी ही धूम थी। सुभान दादा एक अरमान था मस्जिद बनाने का। मेरे पापा का मंदिर उन्होंने ही बनाया था। उन दिनों वो साधारण राज थे, लेकिन तो भी कहा करते, अल्लाह ने चाहा तो मैं भी एक मस्जिद ज़रूर बनवाऊंगा। अल्लाह ने चाहा और वैसा दिन आया, उनकी मस्जिद भी तैयार हुई, गांव के ही लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत। दादा ने अपनी ज़िंदगी भर की अर्जित कला इसमें खर्च कर दी थी। हाथ में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि आप खुद करनी या वसूली पकड़ें, लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक एक ईंट की जुड़ाई पर ध्यान रखते और उनके बाहर भीतर जो बेल बूटे काढ़े गए थे उनके सारे नक्शे उन्होंने ही खींचे थे, और उनमें से एक एक का काढ़ा जाना उनकी ही बारीकी निगरानियों में हुआ था। मेरे मामा जी के बगीचे में शीशम, सखुए, कटहल आदि इमारतों में काम आने वाले पेड़ों की भरमार थी। मस्जिद की सारी लकड़ी हमारे बगीचे से गई थी। जिस दिन मस्जिद तैयार हुई थी, सुभान दादा ने ज्वार भर के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया था। जुमा का दिन था, जितने मुसलमान थे उस सब ने उसमें नमाज पढ़ी थी। जितने हिंदू आए थे उनके सत्कार के लिए दादा ने हिंदू हलवाई रख कर तरह तरह की मिठाइयाँ बनवाई थी। पानी इलायची का प्रबंध किया था। अब तक भी लोग उस मस्जिद के उद्घाटन के दिन की दादा की मेहमानदारी भूले नहीं।